माँ बाबूजी मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। भाभी भाभी ये आप मुझे मत रोको सेतु, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी जल्दबाजी में फैसला करने से हमेशा नुकसान होता है, तुम तो समझदार हो। बाबूजी समझदार हूँ इसलिए आज तक समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर कोई समझाना ही ना चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी प्लीज आप मत जाइए हमें छोड़कर, प्लीज भाभी आप चली जाएंगी तो इस बात का हल कैसे निकलेगा। हल ही तो निकाल रही हूँ ना, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। अब अमित जो चाहे कर सकता है, उसे पूरी आजादी है, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, इस समस्या का ऐसा हल हमें मंजूर नहीं है, ये कोई हल नहीं है। अच्छा बेटा। माँ जी प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। अरे अमित तू तो कुछ बोल, समझाओ उसे। देखो अमित, सुमन को इस घर में तुम लेकर आए थे, अब तुम उसे मझदार में छोड़ देना चाहते हो। हमने तुमको ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। इस घर की लक्ष्मी है, यूं रूठ कर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू चली गई तो मेरा अरमान कौन पूरा करेगा। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, तुझे मेरी कसम। सेतु, डॉक्टर गर्ग ने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट का इंतजार किए बिना सुमन की दूसरी ओवरी भी निकाल दी, जबकि उस दूसरी ओवरी में कैंसर के सेल्स नहीं थे। पर भैया आपने कुछ कहा या किया क्यों नहीं? किससे कहता? मुझसे कहते, क्या मुझ पर भी भरोसा नहीं था? सेतु ये बात भरोसे की नहीं है। बात भरोसे की है भैया। इतना बड़ा बोझ अपने दिल पे उठा के घूम रहे हैं, क्या ये भूल गए कि आपका भी एक भाई है? माना कि छोटा ही सही, लेकिन ऐसे वक्त पे क्या मैं आपका साथ नहीं देता? सेतु, why don't you try to understand? I can't understand, भैया। क्योंकि आपने मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको पराया समझाए। इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा के रखी आपने। Stop it, don't shout। ये बात अगर घर में सबको पता चल जाए, खास करके सुमन और माँ को, हंगामा हो जाएगा। सेतु, माना कि ये बात माँ और भाभी को नहीं पता चलनी चाहिए, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया भैया? सेतु ये वक्त बहस करने का नहीं है, शांति से काम लो। शांति शांति शांति, भैया आप कैसे इतना शांत रह सकते हैं जब भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? हादसा नहीं बल्कि अन्याय हुआ है और आप खामोश हैं। और क्या करूं, जो होना था वो हो गया। हो सकता है कि बच्चा ना होना ही हमारे नसीब में हो। लो कर लो बात, नसीब नसीब की बात आप कर रहे भैया। आप नसीब की बात तो वो लोग करते हैं जिन्हों में कर्म करने की शक्ति नहीं होती, और आप तो हमेशा बचपन से हमें कर्म करना सिखाते आए भैया। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूं सेतु, लेकिन तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। कैसी मजबूरी? मेरी मजबूरी ये है सेतु कि मैं सुमन को दुखी नहीं देख सकता, सुमन को टूटता हुआ नहीं देख सकता। मेरी प्रायोरिटी है सुमन, सुमन का मानसिक संतुलन, मेरे घर वाले। तो क्या भैया? सेतु, तुमको क्या लगता है कि गुस्सा मुझे नहीं आया होगा? तुमको तुम्हारी भाभी का अन्याय दिखाई दे रहा है ना? अगर तुम्हारी भाभी पर अन्याय हुआ है तो क्या मुझ पर अन्याय नहीं हुआ है? अगर तुम्हारी भाभी मां नहीं बन सकती तो उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बाप नहीं बन सकता, तुम चाचा नहीं बन सकते, बाबूजी दादा नहीं बन सकते और माँ दादी माँ नहीं बन सकती। अन्याय तो हम सब पे हुआ है सेतु। तुमको सिर्फ अपना ही दुख दिखाई दे रहा है। ये बात मैंने तुमसे क्यों छुपाई? लेकिन तुमने कभी मेरा दुख समझने की कोशिश की सेतु? तुम में से किसी ने?
आज एक डॉक्टर की गलती की वजह से मेरा संसार टूट रहा है, लेकिन मैं चुप हूं क्योंकि डॉक्टर गोयल ने कहा कि सुमन की हालत अच्छी नहीं है, इस बात का उसे पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं चुप हूं। लेकिन अखबार वाले चुप नहीं है, वो तो लिख रहे हैं फ्रंट पेज पर, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से कुछ भी सुमन को ना पता चले। इस सबको छुपाते छुपाते आप लोगों ने मुझ पर शक भी किया सेतु, पूरे परिवार ने मुझ पर शक किया, तुमने मेरे चरित्र पर शक किया, मां बाबूजी ने मुझ पर शक किया, मीतू ने शक किया, यहां तक कि सुमन ने भी मेरे चरित्र पर शक किया। क्या चाहा मैंने? यही चाहा ना कि मेरा परिवार सुखी रहे, यह दुख तुम सब तक ना पहुंचे। सेतु, ये सब छुपाते छुपाते इस परिवार में मैं अकेला पड़ गया हूं, अकेला पड़ गया हूं, कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। आई लव सुमन। तुम जानना चाह रहे थे ना कि मैंने सुमन को क्यों नहीं रोका? सिर्फ इसलिए नहीं रोका सेतु कि ये सारा दुख सुमन तक ना पहुंचे, हो सके तो वो इस टेंशन से दूर चली जाए, इस परिस्थिति से दूर चली जाए। मैं अकेला सह लूंगा सेतु, मैं अकेला सह लूंगा, लेकिन मैं सुमन को टूटता हुआ नहीं देख सकता। भैया आप चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं डॉक्टर गर्ग और उस हॉस्पिटल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये कॉलेज एसोसिएशन के इलेक्शंस भी सरदर्द बन जाते हैं, स्टूडेंट्स की टेंशन, इसकी टेंशन। भाई गायत्री, भोला को चाय वाय के लिए नहीं कहोगे तुम? हैं? क्या बात है, किस सोच में डूबी हुई हो? हैं? सोच? सोच तो जवाब दे गई मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे घर को किसकी नजर लग गई? ऐसी बातें क्यों करती हो? ईश्वर जो भी करता है हमेशा भले के लिए करता है गायत्री। भला? अमित का रूखा बर्ताव, उसमें और सुमन में चल रही अनबन, अमित का दूसरी लड़की के साथ चक्कर, सुमन का घर छोड़ के जाने का फैसला, इन सब में क्या भलाई हो सकती है? लेकिन सुमन घर छोड़कर तो नहीं गई ना, उसे रोकने में हम लोग कामयाब रहे, ये भी तो सोचो। हाँ, इस बार तो उसे रोक लिया, मगर अगर हमें इसी तरह बर्ताव करता रहा तो कब तक चुप रहेगी वो? अगली बार शायद हमारे रोकने पर भी ना रुकी तो? शुभ शुभ बोलो गायत्री। देखो, इंसान जो कुछ भी सच्चे मन से सोचता है वही होता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचे। वन शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपकी फिलॉसफी मुझे मत सिखाई, इतनी बेबसी मैंने जिंदगी में कभी कभी महसूस नहीं। मेरा घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। गायत्री, देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये गुत्थी हमें प्यार से सुलझानी होगी। नहीं, आप इतनी धीरज से,
इतनी शांति से कैसे बातें कर लेते? क्योंकि मैं जानता हूं गायत्री, किसी भी समस्या का हल धीरज और शांति के रास्ते से ही निकल सकता है। क्रोध करने से या रोने धोने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और फिर तुम तो खुद समझदार हो गायत्री, तुम तो ईश्वर पर इतना भरोसा रखती हो, तो आज फिर वो भरोसे का क्या हुआ? आप शायद ठीक कह रहे हैं। लगता है अब तो उसे ही रिझाना पड़ेगा। ए डॉक्टर गर्ग, अरे बाहर निकल, तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझता है? अरे तू डॉक्टर नहीं, कसाई है, कसाई। भेड़ बकरियों को काटने वाला कसाई नहीं, बल्कि इंसानों को काटने वाला कसाई, उन्हें अपाहिज बना देने वाला कसाई, उनके विश्वास को तोड़ने वाला कसाई। अरे तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में जल्लाद है, जल्लाद। ए चल घर के, हल्ला करता है, चल भाग इधर से, चल घर के अंदर के, बैठे बाहर निकल, चल भाग इधर से, चल। क्या चमचे पाल रखे तूने? ए साले, हमारे साहब के बारे में ऐसे बोलेगा तो तुझे छोड़ेगा नहीं, चल भाग। चेतावनी है डॉक्टर गर्ग, तुझे अदालत तक नहीं खींच ले गया तब मेरा भी नाम सुमित माथुर नहीं। अरे तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझता है, दूसरों का घर तबाह करने का बहुत शौक है तुझे, अब तेरा ये शौक मैं भी आजमाऊंगा तेरे ऊपर, तेरा घर तोड़ के तुझे तबाह करके। अरे तू डॉक्टर नहीं, कसाई है, कसाई। हेलो पुलिस। वाह 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 वाह, कैसा लग रहा है बाबूजी? अरे वाह, बढ़िया। चलिए माँ खाना लगा दिया। आओ भाई गायत्री, खाना खा लो। तुम तो जानती हो भूखे भजन ना होए गोपाला, तुम पाठ कर रही हो इतनी देर से, वैसे ही तुम्हें लो ब्लड प्रेशर है। आइए माँ। ओफो, नहीं मनाती हूँ माँ, पिछले 3 घंटों से आप पाठ पढ़ रही हैं, अब बाकी का पाठ कल सुबह कर लेना। चलिए ना, मैंने अपने हाथ से खाना बनाया, खाना लग गया, चलिए ना। गायत्री प्लीज, पहले थोड़ा खाना खा लो, अब तुम्हारा हाथ पकड़। चलिए ना माँ। हेलो, जी हाँ, मैं प्रोफेसर माथुर बोल रहा हूँ। क्या शांता कुछ पुलिस स्टेशन? व्हाट? जी हाँ, सुमित मेरा छोटा बेटा है, उसे अरेस्ट कर लिया। मैं भी आता हूँ। पहले अमित का मुझे मोबाइल नंबर। 9820200050050। क्या हूँ बाबूजी? हाँ अमित, इस समय तुम कहाँ हो? तुम फौरन शांता के पुलिस स्टेशन पहुंचो। हाँ हाँ, सुमित इज अरेस्टेड बाय पुलिस। हाँ मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन चलूंगी। अरे गायत्री तुम यहाँ बैठो, औरतें पुलिस स्टेशन में नहीं जाती। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। सेतु भैया, तुम क्यों? डॉक्टर गर्ग, आपको क्या लगता है किसकी चाल होगी? हो सकता है डॉक्टर अंजलि की, क्योंकि वही मुझे और हमारे अस्पताल को बदनाम करना चाहती है। ऐसी बात है तो उसे हॉस्पिटल से निकाल बाहर करते हैं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसा करने से सारी सहानुभूति उसके साथ चली जाएगी और हमारे अस्पताल की बदनामी हो जाएगी। ओके, तो मैं अपने वकील से बात करता हूँ, अगर किसी कानूनी तरकीब से उसे फंसाया जा सकता है तो मामला हल हो जाएगा। हाँ शायद ये ठीक रहेगा। ठीक, ओके। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रोफेसर माथुर हूँ, आपने मेरे घर पे फोन करके मुझे बुलाया। हाँ हाँ, आइए मिस्टर माथुर, बैठिए। थैंक यू। कुंदन सिंह, जरा उस लड़के को लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है मेरे बेटे सेतु ने? माथुर साहब, आप भले लोग हैं, एक अच्छे परिवार का लड़का ऐसी हरकतें करे शोभा नहीं देता। लेकिन आखिर ऐसा किया क्या है सेतु ने? डॉक्टर गर्ग जैसे मशहूर सर्जन के घर पर पत्थर मारना, रास्ते के बीच खड़े होकर उन्हें गालियां देना, क्या ये सब अच्छा लगता है? मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया,
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कुछ गलत फहमी हुई होगी आपको। माथुर साहब, अपने बच्चे पर सभी माँ बाप को पूरा भरोसा होता है, लेकिन नादानी में बच्चे कभी कभी वैसी हरकतें कर बैठते हैं जिससे जीवन भर उन्हें पछताना पड़े। सुमित मुझे भले घर का लड़का लगा, इसलिए मैंने आपको फोन करके बुलाया। अभी तक पुलिस रिकॉर्ड में मैंने नाम दर्ज नहीं किया है। आप तो जानते हैं, एक बार पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। I know, इंस्पेक्टर। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, समझे? जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। चलिए। सेतु, तुम जानते हो कि मुझे झूठ से कितनी चिढ़ है। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुमने ये क्यों किया? मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, सच सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? अरे मेरी औलाद, मेरा अपना खून, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब करेगा। डॉक्टर घर के घर में पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आखिर क्या बिगाड़ा डॉक्टर गर्ग ने तुम्हारा या हमारे परिवार का, जो सब कुछ ये तुमने किया? उसने बेचारे ने तुम्हारी भाभी का ऑपरेशन किया, उसे नया जीवन दिया, और तुम उसके सारे एहसान भूल गए। मैं डॉक्टर गर्ग का कोई एहसान नहीं भूला हूं बाबूजी। तो फिर माना कि ये भी उन्हीं का एहसान है कि भाभी को नया जीवन मिला है, ये भी माना कि ये भी उन्हीं का एहसान है कि भाभी का कैंसर खत्म हुआ, लेकिन बाबूजी ये भी उन्हीं का एहसान है कि क्या? मैं पूछता हूं कि क्या? कि भाभी जिंदगी भर मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनकी दोनों ओवरीज काट दी गई है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू?